आज मैं एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही फेमस रेसिपी के साथ आई हूँ। वो है बंगाली घुगनी रेसिपी। कोई भी बंगाली ऐसा नहीं होगा जो घुगनी नहीं खाया होगा, सबके घर पे बनते हैं ये। आज मैं वही घुगनी बनाऊंगी पर थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी। भाजा मसाला को रिप्लेस करके उसके जगह पे मैं आज यूज करूंगी मैगी मसाला है। मैगी बहुत ही कमाल का बनता है ये मसाला, इतनी कमाल की है, मैं यूज करके घर पे बना चुकी हूँ। तो घुगनी बनाने के लिए मटर लेना पड़ेगा, ये पीला मटर यूज करूंगी क्योंकि इसी से बनते हैं ऑथेंटिक घुगनी। तो इसको पहले हमें 7-8 घंटा भिगोना ही पड़ेगा। तो पूरे रात मैंने भिगो दिया था, 7-8 घंटा से थोड़ा ज्यादा भी हो गया है पर कम नहीं होना चाहिए। तो मेजरमेंट कप के 3 कप मैंने मटर लिया था। भिगने के बाद ये थोड़ा फूल भी जाता है तो धो के साफ कर लिया, प्रेशर कुकर में डाल दिया क्योंकि इसको पहले हम बॉयल कर लेंगे। तो मेजरमेंट कप से 3 कप पानी डाल देंगे, 1 कप मैंने डाल दिया। और 2 ग्रीन चिली डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे छोटे चम्मच के, और 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे। थोड़ा मिक्स कर देंगे सारे इंग्रेडिएंट को। तो अभी ढक्कन लगा के प्रेशर कुक कर लेंगे 2 सीटी आने तक, ताकि मटर एकदम अच्छे से पक जाए। तो प्रेशर कुकर बिठा दिया मैं गैस पे और गैस भी ऑन कर दिया, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 2 सीटी आने तक। तो अभी 2 सीटी आने के इंतजार करेंगे। तो 2 सीटी आने के बाद गैस मैंने बंद कर दिया, अभी ऐसे ही हम रेस्ट करने देंगे। तब तक बाकी इंग्रेडिएंट रेडी कर लेती हूँ। तो कुछ 8-10 कली लहसुन ले लिया मैंने, 5 ग्रीन चिली ले लिया, और पतला पतला करके 1 इंच के 2 टुकड़े अदरक को ले लिया। इसका पेस्ट बनाएंगे। और आलू इसमें चाहिए ही, तो मैं 2 बड़े बड़े आलू को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया, और 2 ऑनियन को, मीडियम साइज के ऑनियन को बारीक चॉप कर लिया, और 3 टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया। तो सबसे पहले पेस्ट बनाऊंगी मैं इन तीनों को। मैंने एक पैन ले लिया और पैन में मैंने डाल दिया 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल को खूब अच्छे से गर्म कर लिया। जब तक ऑयल से धुआं ना आ जाए तब तक गर्म किया। तो सबसे पहले मैं करूंगी अभी आलू को फ्राई, जो छोटे छोटे पीसेस में हमने आलू कट कर लिया उसको फ्राई करूंगी। तो आलू को पहले अच्छे से हम भून लेंगे। अभी मैं आलू को थोड़ा निकल के रख दूंगी। आलू फ्राई करके निकल लेने के बाद सेम ऑयल पे मैं डाल दूंगी 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2-3 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के, 4 ग्रीन इलायची, 3-4 लौंग, और 1 चुटकी जीरा। तो इन सब मसाले को हल्का सा भून लेंगे। जैसे हल्का सा भून जाता है इसमें मैं डाल दूंगी बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन। हल्का सा भून लूंगी पहले प्याज को। तो हल्का सा ऑनियन फ्राई होते ही मैं इसमें डाल दूंगी 3 चॉप किया हुआ टमाटर। मिक्स करूंगी अच्छे से फ्राई होने के लिए। तो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा 1 चुटकी नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी मटर में हमने डाला है, तो हम चेक कर करके नमक डालेंगे। तो ये नमक डाल दिया तो जल्दी जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। ऑनियन भी मैं डाल दूंगी इसमें, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट। तो हल्का सा अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट भूनते ही मैं इसमें डाल दूंगी मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटे चम्मच के 1 चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी रेड चिली, अच्छा कलर आने के लिए 2 चम्मच भर के डाल दूंगी। अभी इन सबको हल्का सा भून लूंगी मिक्स करके। तो ये फ्राई किया आलू भी अभी मैं मिक्स कर दूंगी मसाले में ही, और मसाले के साथ मिक्स करके पकाऊंगी। तो प्रेशर कुकर मैंने खोल दिया और मटर एकदम अच्छे से बॉयल हो चुका है, जैसे मुझे चाहिए, एकदम परफेक्ट। तो इस साइड में मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब मैं मिक्स कर दूंगी मटर को डाल के, ये बॉयल किया हुआ मटर पानी के साथ हम लोग मिक्स कर देंगे मसाले में। तो अभी मिक्स करूंगी अच्छे से। अब मैं ढक के पकाऊंगी 5 मिनट तक अच्छे से। तो भाजा मसाला के बदले में मैं अभी डालूंगी घुगनी में ये कमाल की मैगी मसाला है। मैगी मसाला ही मैजिक से आता है आपके रोज के सब्जी में कमाल, क्योंकि ये बना है 10 चुनिंदा मसालों को
तसल्ली से भून के जो बनाता है आपके रोज के खाने को कमाल का स्वादिष्ट। इससे आप अपनी रोज की दाल करी ड्राई सब्जी सब में मिलाए और खाने को और भी स्वादिष्ट बनाए। सब्जी पकने के बाद गैस बंद करने से 2 मिनट पहले मसाला मैजिक को मिलाए और कमाल का स्वाद पाए। तो मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तो लास्ट में बारीक चॉप किया धनिया पत्ता डाल के मिक्स करूंगी। 2 मिनट पकने दूंगी और 2 मिनट पकने के बाद गैस बंद करके हम कर लेंगे प्लेटिंग। तो ये बन चुका है मेरा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार कमाल की घुगनी। तो प्लेटिंग करने से पहले मैं टेस्ट कर रही हूँ कैसा बना है आज का। बहुत ही टेस्टी बना है। भाजा मसाला यूज नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये मसाला इतनी कमाल की है दुगना टेस्ट दे देता है। तो प्लेटिंग के लिए निकाल लिया मैं एकदम गर्म गर्म घुगनी। तो घुगनी निकल लेने के बाद मैं डाल दूंगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए बारीक चॉप किया हुआ अनियन, ग्रीन चिली बारीक चॉप किया हुआ। अब मैं डाल दूंगी लेमन जूस और गार्निशिंग करूंगी बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता के साथ। ये बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर देगा। और डाल दूंगी ऊपर से कुछ सेव। तो बन के रेडी हो चुका है और प्लेटिंग भी मैंने कर दिया। आज मैंने बनाया कमाल के मैगी मसाला है मैजिक से घुगनी। आप लोग जरूर ट्राई करना, कमेंट में मुझे बताना कितना झटपट बन जाएगा ये रेसिपी। भाजा मसाले की कोई तामझाम नहीं, मैगी मसाला है मैजिक से बनाओ। बना के खाने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा था आज का मेरा घुगनी रेसिपी। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।